नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज से घर बैठे देख सकेंगे और सुन सकेंगे सभी लोग, जारी हुआ लिंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। आप नेताओं को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एलजी के खिलाफ अमर्यादित पोस्ट हटाने को कहा। राजस्थान संकट के बीच दिग्विजय सिंह ने दिए कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के संकेत। यूपी के मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी। नेपाल में माउंट मानसुलू के बेस कैंप में हिमस्खलन कर एक पर्वतारोही की मौत, तो वहीं एक भारतीय सहित 12 घायल। स्टेरॉइड से टकराया नासा का स्पेसक्राफ्ट, मिशन हुआ सफल। बीजेपी दफ्तर में आज से प्रदेश प्रभारियों के साथ 10 बजे बैठक करने वाले थे जेपी नड्डा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 33 नए मामले, एक्टिव केसों की संख्या हुई 3,742। और शिकागो पुलिस दफ्तर के अंदर गोलीबारी, अधिकारी समेत 2 घायलों को अस्पताल में कराया जा रहा है उपचार।